जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री और आर्टिलरी में क्या अंतर है, इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं, दोनों में कौन बेस्ट है ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट की। इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडियन आर्मी का मेन कॉम्बैट पार्ट है, जो युद्ध या फिर ऑपरेशन के दौरान डायरेक्ट दुश्मनों से एंगेज होता है। जब सामने से दुश्मन आ रहा है तो उनसे आर्टिलरी नहीं लड़ेगा, उनसे लड़ेगा इन्फेंट्री रेजिमेंट। इन्फेंट्री रेजिमेंट के सोल्जर युद्ध क्षेत्र में डायरेक्टली अटैक करते हैं। इनके पास वेपन्स के नाम पर असॉल्ट राइफल, डीएमआर, लाइट मशीन गन्स, पिस्तौल, ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार होते हैं। इनके सोल्जर्स हाईली ट्रेंड होते हैं कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए। इंडिया के मैप को अगर आप देखें तो भारत में ऐसी ऐसी टेरेन्स है जहां पर हैवी वेपन्स जैसे कि टैंक्स, मिसाइल ये सब नहीं पहुंच सकता, वहां पर भेजा जाता है इन्फेंट्री बटालियन को। इंडियन आर्मी इन्फेंट्री के सोल्जर्स और ऑफिसर्स हाई रिस्क पर काम करते हैं, क्योंकि सामने से चलने वाली गोली, तोप, टैंक, ग्रेनेड सबसे बचकर इन्हें लड़ना होता है। इसीलिए आप देखिएगा इंडिया में गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की लिस्ट में ज्यादातर आपको इन्फेंट्री के सोल्जर्स ही मिलेंगे। इन्फेंट्री सोल्जर्स के पास जो वेपन्स होते हैं उनका रेंज बहुत कम होता है आर्टिलरी के तुलना में, इसीलिए दुश्मनों से लड़ने के लिए इन्हें दुश्मन के पास जाना पड़ता है। और वॉर फील्ड में पीछे से तोप भी चल रही है, ग्रेनेड भी फेंका जा रहा है, टैंक्स भी फायर हो रहे हैं, इस डेंजरस सिचुएशन में भी इन्फेंट्री के सोल्जर्स बुलेट और असॉल्ट राइफल लेकर के दुश्मन के ऊपर कूद पड़ते हैं। दुश्मन के द्वारा कैप्चर हो जाने की डर रहता है, जान जाने की डर रहती है, लेकिन एक्चुअली दुश्मन के आंख में आंख डालकर यही दुश्मन को ठोकते हैं। इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री सोल्जर्स गोलियां खत्म होने पर अपने हाथ से, चाकुओं से, खुखरी से दुश्मन को मार देते हैं। इंडियन आर्मी के शहीदों की लिस्ट को भी अगर आप देखें तो आप देखिएगा कि ज्यादातर शहीद सोल्जर्स इन्फेंट्री के ही हैं। इसीलिए इन्फेंट्री को इंडियन आर्मी में क्वीन ऑफ वॉर कहा जाता है, जो वॉर फील्ड में पैदल चलते हुए सामने से दुश्मनों के साथ में लड़ता है। लेकिन एक देश की मिलिट्री पावर ज्यादातर आर्टिलरी के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आर्टिलरी के पास है हैवी वेपन्स और इनके पास ताकत है कि ये किसी भी देश को दुनिया के नक्शे से भी मिटा सकता है। और आर्टिलरी के पावर से ही मिलिट्री कैपेबिलिटी डिसाइड होती है। आर्टिलरी वॉर फील्ड में एक फायरिंग आर्म के तौर पे काम करता है। आर्टिलरी के पास हैवी और लॉन्ग रेंज वेपन होते हैं। इस तरह के वेपन को फायर करने पर दुश्मन को एक बार में ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फायर करने से एक बहुत बड़े इलाके को इफेक्टेड भी किया जा सकता है। इनके पास टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर, मोटर, मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल सिस्टम, प्रहार मिसाइल सिस्टम, ये सभी आर्टिलरी का ही पार्ट है। इंडियन आर्मी के आर्टिलरी ऑफिसर्स वॉर टाइम में किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकता है। आर्टिलरी सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जाती है, ताकि वो इन सब हैवी और डेंजरस वेपन्स को ऑपरेट कर सके, क्योंकि इतने बड़े वेपन से एक्यूरेट फायर करना इज नॉट ए जोक। इसीलिए दुश्मन इन्फेंट्री के वार को सह के फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आर्टिलरी के वेपन फायर होना शुरू हो जाए तो उसके वार को सहकर फिर से उठ पाना नामुमकिन है, क्योंकि आर्टिलरी के वेपन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। और आर्टिलरी के ऑफिसर्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस और ठंडे मिजाज के होते हैं। ये कोई असॉल्ट राइफल फायरिंग नहीं है कि दनादन फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। आर्टिलरी के एक फायर करने से पहले ऑफिसर्स को सोचना पड़ता है, और वॉर फील्ड में यही डिसीजन उनको बहुत तेजी से लेनी होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ता है। और वॉर टाइम सिचुएशंस में जब चारों ओर से गोलियां चल रही है, सामने से भी अटैक आ रहा है, उस वक्त पर अपने माइंड को ठंडा रख के ऑपरेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। एक देश की मिलिट्री पावर ज्यादातर आर्टिलरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए इंडियन आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट को गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिलरी रेजिमेंट को 7 महावीर चक्र, 92 वीर चक्र के अलावा भी बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब आते हैं शुरू में किए गए क्वेश्चंस की, इन दोनों में कौन बेस्ट है। तो देखिए, इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट ब्रांचेस को क्यों बनाया गया है, क्योंकि उसे अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज्ड किया जा सके। यानी कि अगर ये काम है तो इन्फेंट्री को भेजो, ये काम है तो स्पेशल फोर्सेस को भेजो, ये काम है तो आर्टिलरी को भेजो। इसी तरह से उनके ब्रांचेस को डिवाइड भी किया गया है। तो अपने अपने फील्ड में सभी रेजिमेंट, सभी ब्रांचेस स्पेशल होते हैं और अपने काम में एकदम तगड़े रहते हैं। इंडियन आर्मी में अपने फील्ड का वो राजा है। जो काम इन्फेंट्री करता है उसे उस काम के लिए बनाया गया है, जो काम आर्टिलरी करता है उसे उसकी ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे सिर्फ इन्फेंट्री से इंडियन आर्मी नहीं चल सकती, उसी तरह से सिर्फ आर्टिलरी या फिर सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को लेकर भी इंडियन आर्मी नहीं चल सकती। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, ब्रेन का अलग काम है, सब मिलकर के एक स्वस्थ शरीर बनाता है। इसी तरह से इंडियन आर्मी के सभी ब्रांचेस, सभी रेजिमेंट मिलकर के एक मिलिट्री पावर बनते हैं। इन दोनों में कौन बेस्ट है, ये सवाल ही गलत है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझा जा सकता है, आर्टिलरी क्या है, इन्फेंट्री क्या है ये समझा जा सकता है, लेकिन दोनों में कौन बेस्ट है ये
सवाल ही गलत है, क्योंकि दोनों ही अपने फील्ड का शेर है और इन सबको मिलकर ही बनता है इंडियन आर्मी। जय हिंद।